अक्सर ख़वातीन को गीज़र चलाने में बड़ी मुश्किल पेश आती है और उनको समझ ही नहीं आती कि गीज़र ऑन कैसे करना है, पायलट कैसे चलाना है, तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं। तो आज मैं आपको गीज़र चलाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले देखें, ये आपको ये नज़र आ रहा है, इसको आपने ऐसे ऑन की तरफ करना है, ऑन लिखा हुआ है ना, ऑन की तरफ आपने ये कर लेना है। तो इसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने प्रेस करना है। बाल तो देखिए खुला रहना है, अगर आप कम करना चाहते हैं शोला तो इसको आप थोड़ा हल्का करते हैं जैसे हमने किया हुआ है, और इसके बाद आपने इसको प्रेस करना है। दो तीन दफ़ा आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे, इससे क्या होगा कि जो पायलट का शोला है वो इससे जलेगा। अब यहाँ से ये इसको प्रेस करेंगी, दो तीन दफ़ा प्रेस करें। अब प्रेस करके रखें, यहाँ ना नीचे रखें, मैं आपको दिखाएंगी, करीब लाएं। ये इसका देखें शोला, ये मैंने जला दिया है, और अभी आपने इसको नहीं छोड़ना, दबाए रखना है कुछ टाइम। तो अब देखें ये शोला जल रहा है। अभी लवन है तो हम ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहते, तो हमने गीज़र को ऑन किया है। तो ये देखें एक दो मिनट गुजर चुके हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता से हम इसको छोड़ेंगे, आहिस्ता से हाथ हटाएंगे। तो ये देखें बंद हो गया, अभी फ़िलहाल चल रहा है, हम आहिस्ता आहिस्ता से बटन से हाथ हटाएंगे, दोबारा ना बंद हो जाए कहीं। ओ, हम कामयाब हो गया ना, लग गया लग गया। ये देखिए ऑन हो गया है, अब ये हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया है। तो ये थोड़ी देर में पानी गर्म हो जाएगा, तो आप भी इसी तरीके से गीज़र लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।